हेलो दोस्तों, आज बनाते हैं स्वादिष्ट, मजेदार, बाहर से सुपर क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हरे धनिये की वड़िया। ये झटपट बन जाती है और आप इसे स्नैक्स या स्टार्टर्स की तरह भी खा सकते हो या रोटी के साथ भी ये बढ़िया लगती है। तो चलो देखते हैं इसे बनाने की आसान सी विधि। सबसे पहले हम लेंगे एक बंडल ताज़ा हरा धनिया। हरे धनिये को साफ कर लेंगे, इसके जड़ों को और मोटे डंठल को निकाल लेंगे। हमें सिर्फ धनिये के फ्रेश पत्ते और थोड़े पतले डंठल लेने हैं। पहले इन्हें 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेंगे, फिर इस तरह बारीक काट लेंगे। जितना बारीक काट लेंगे वड़िया बनाने में उतनी आसानी होगी। सारे धनिये को काटने पे पहले इसमें 3 से 4 टेबलस्पून बेसन का आटा डालेंगे और 1 से 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, ये ऑप्शनल है। फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ, इससे एक बढ़िया स्वाद आता है वड़ियों में। हाथों पे मसल के 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, फिर डालेंगे 2 से 3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डालेंगे और 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे। फिर सारे मसालों को धनिये में मसल के अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, धनिये के पत्तों से ही पानी छूटेगा, उससे ही हम सारे मसाले को एक साथ मिला लेंगे। ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 छोटे चम्मच बेसन और डालेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा आटा लेके मिलाते जाएंगे जब तक अच्छी तरह साथ नहीं आने लगता। कम से कम आटा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। स्वाद चख लेंगे, अगर कुछ कम लगे तो स्वाद अनुसार नमक या मसालों की मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगे। फिर मिश्रण का इस तरह एक गोला बना देंगे। अब एक स्टीमर में या कोई भी बड़े बर्तन में थोड़ा पानी ढक के उबालने रख देंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। फिर जिस प्लेट में वड़िया उबालने रखनी है उस पे अच्छी तरह तेल फैला देंगे। सारे वड़ियों के मिश्रण को प्लेट के बीचों बीच रख के फिर सारी प्लेट में इस तरह समान फैला देंगे। फिर ऊपर से थोड़े सफ़ेद तिल डालेंगे। अब पानी भी अच्छे से उबल गया है, उसमें हम वड़ी की प्लेट रख देंगे। इसे ढक कर लगभग 20 से 30 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 20 मिनट बाद खोल के इस तरह चम्मच या फोक से चेक कर लेंगे। अगर चम्मच साफ निकल आए तो समझ लेंगे कि पक गया है, वरना थोड़ी देर और ढक के पकाएंगे। फिर प्लेट को बाहर निकाल कर थोड़ा ठंडा होने रख देंगे। अच्छी तरह ठंडा होने पर इस तरह वड़िया काट लेंगे। अब देखोगे कि वड़िया आसानी से निकल रही है। हम स्टीम्ड वड़ियों को ऐसे ही खा सकते हैं, बढ़िया लगती है। अगर करारी खानी हो तो इन्हें हम शैलो फ्राई कर लेंगे। उसके लिए एक पैन गरम कर लेंगे, फिर थोड़ा तेल डालकर पैन की सारी ओर फैला देंगे। अब एक एक करके वड़िया पैन पे हम रख देंगे शैलो फ्राई करने के लिए। इन्हें 2 से 3 मिनट दोनों ओर से मीडियम फ्लेम पे सेक लेंगे जब तक करारी नहीं हो जाती। ज़रूरत लगे तो पैन के किनारों से भी थोड़ा सा तेल छोड़ देंगे। और लो, तैयार है करारी, स्वादिष्ट, जायकेदार फ्रेश धनिये की वड़िया। ये झटपट बन जाती है और इन्हें आप पहले ही प्रिपेयर करके स्टोर कर सकते हो, और जब खानी हो तो फटाफट शैलो फ्राई कर लो। इनका आनंद आप चटनी या टमाटो सॉस के साथ भी ले सकते हो, बढ़िया लगती है। तो ज़रूर बनाएं और हमें लाइक और कमेंट करके बताएं ये रेसिपी आपको कैसे लगी। थैंक यू।